संविधान को समझ करके जो हमारे महापुरुषों का बलिदान है उसके रास्ते पर चल पाएंगे तभी ये बधाई अंततः पूरी होती है। हम सभी जानते हैं बाबा साहब हमारे समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए जो कार्य कर गए हैं वो हमें, वो काम हमें इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण लगते हैं क्योंकि हमें अभी तक किसी भी व्यवस्था ने वो सम्मान नहीं दिया था। मनुवादियों के लिए संविधान का आना एक खतरा है जिसको वो आज भी खतरा मानकर उसके खिलाफ आंदोलन चलाते हैं जिसको हम सारे देश में देख ही रहे। हमें उसका काउंटर प्रोडक्ट पैदा करना है। जैसे इतिहास में अगर पहले जाएं, बुद्ध की क्रांति से तीन तरह की व्यवस्थाएं पैदा हुई, सभी व्यक्तियों को समानता का दर्जा मिला, शूद्रों को शासक बनने का अवसर दिया और महिलाओं को बराबरी के रूप में स्थापित करने का अवसर दिया। इससे पहले वो नहीं था, इसलिए उनकी नजरों में बुद्धा सबसे ज्यादा खटकते हैं। तो बुद्धा का जो समानता का दर्शन है उसी दर्शन को बाबा साहब अंबेडकर ने अपनाया और उसी दर्शन को उन्होंने भारत के संविधान में दिया। इसका मतलब है कि हम अपने इतिहास के साथ जुड़ जाते हैं। जब हम भारत के संविधान की बात करते हैं तो भारत के उस इतिहास जिसको हम सोने की चिड़िया के नाम से संबोधित किया करते थे, सोने की चिड़िया आज कहां है? वो इतिहास है बुद्धा का, वो इतिहास है मौर्य शासन काल का, वही पूरा बौद्धकालीन पूरा जो हमारा गर्वोन्नत इतिहास है उसको बाबा साहब भारत के संविधान में स्थापित करते हैं और उस संविधान में स्थापित करके सभी के लिए बराबरी की बात करते हैं। महिलाओं के लिए उनका संघर्ष बहुत बेशकीमती है। यद्यपि महिलाएं उस संघर्ष को जान चुकी हैं, उस रास्ते पर चल रही हैं, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो उसको नहीं जान पा रहा है क्योंकि दूसरी तरफ का अटैक ज्यादा है। सुबह से शाम तक घरों में बजने वाले वो, चलने वाले वो मंगल और भजन के तथाकथित आयोजन उनको वहीं जाकर के फिट कर देते हैं। इसलिए ये व्यवस्था एक ऐसी संवैधानिक व्यवस्था जिसमें हम आज हैं ये हमें एक ऐसे दौर में लेकर के जा रही है। इस दौर में हम एक निश्चित रूप से इक्वलिटी की बात कर सकते हैं और उसमें हम रह रहे हैं। मुझे लगता है जिस दौर में आपके बोलने के अधिकार पर शिकंजे कसे जा रहे हों, सुप्रीम कोर्ट के एक जज को, वाई चंद्रचूड़ को सुप्रीम कोर्ट में ये कहना पड़ा हो ये सेफ्टी वाल्व है, इसके साथ खिलवाड़ मत करो, ये फट जाएगा तो जानते हैं क्या होगा। सेफ्टी वाल्व को आप बोलने दो लोगों को, मैं गुस्सा है, असहमति का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट उस असहमति के अधिकार को प्रोटेक्ट करता है। भारत सरकार या भारत की वर्तमान सरकार उस व्यवस्था को, लोगों के उन अधिकारों को छीन छीन करके हमें कहां ले जा रही है, तो उसमें हस्तक्षेप करना पड़ता सुप्रीम कोर्ट के जज को और कहना पड़ता है कि ये सेफ्टी वाल्व है, बोलने का अधिकार है, इसको बोलने दो, लोगों के अंदर जो बात है उसको कहने दो, आप उसको रोक नहीं सकते। तो ये जो एक पूरा एक संवैधानिक जो व्यवस्था है उसके ऊपर एक खास तरह का खतरा आज हम देख रहे हैं और वो खतरा केवल आज पैदा नहीं हुआ, वो खतरा बहुत पहले से पैदा हो चुका है। एक तरफ हम संविधान को लागू करने की बात कर रहे थे, वो मनुष्य मृत्यु को लागू करने की बात कर रहे थे, वो संविधान उनको हजम नहीं हुआ 1950 में भी और आज भी नहीं हो रहा है। इसलिए ये इन चीजों को हम जब तक नहीं समझेंगे
हम भारतीय संविधान और संविधान दिवस के अवसर पर बधाई देना केवल बधाई देना ही होगा, इसलिए उसको एग्जैक्टली उसको जानना है तो निश्चित रूप से हमें उसके उन जिसको प्रमोद मेहरा जी इसको बता रहे थे कि आपको इक्वलिटी सोवरेनिटी आपको जस्टिस आपको आपको आपका जो उसका फेडरल स्ट्रक्चर है उन चीजों को जब तक आप नहीं जानेंगे आप संविधान को एग्जैक्टली क्या अर्थ है उसको हम नहीं जान पाएंगे। संविधान ने हमें हक दिए, संविधान ने हमें हिस्सेदारी दी, उनको वो हिस्सेदारी भी स्वीकार नहीं हो रही है। उसके ऊपर हर रोज सुप्रीम कोर्ट में लोग हमारे बड़े बड़े वकीलों के माध्यम से हम वहां पर लाखों रुपए की फीस देकर के अपने मुकदमे लड़ते हैं, हमारे कर्मचारी कहां सुखी हैं, वहां वो उस हक को लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में खड़े रहते हैं, आज तक हम उसको सुरक्षित नहीं कर पाए। यानी अगर आपने रिप्रेजेंटेशन दे दिया, 22% SC/ST के लोग चुनकर पार्लियामेंट और विधानसभा में जाते हैं फिर भी आप सुरक्षित नहीं है। सरकारी कर्मचारियों की संख्या तो पूरे देश में बहुत थोड़ी है, वो भी आज का हिस्सा आपका पूरा नहीं है। हायर एजुकेशन में जाएं वहां भी पूरा नहीं है, जुडिशरी में जाएं वहां भी पूरा नहीं है, इंडस्ट्री में जाएं वहां भी पूरा नहीं है। इस देश में लगभग 95% प्राइवेट सेक्टर है, 5% ही पब्लिक सेक्टर है। तो 95% के पब्लिक सेक्टर में आपकी हिस्सेदारी जीरो है। हम 5% की लड़ाई लड़ रहे हैं, 5% में हिस्सेदारी पाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि पब्लिक सेक्टर के अनएम्प्लॉयमेंट केवल 2 करोड़ है मिल जुड़ा करके। पॉपुलेशन हमारी कितनी है, SC/ST के 30 करोड़ लोग भारत में हैं, पूरे देश के रोजगार 2 करोड़ है, तो हिस्सेदारी कैसे पूरी होगी, नहीं हो सकती। पब्लिक सेक्टर में सभी को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल सकता तो कहां से मिलेगा। सरकार बनाने के लोग नारे देते हैं प्राइवेट सेक्टर में हम नौकरी दिलाएंगे, हिस्सेदारी दिलाएंगे, 20 सालों से हम सुन रहे हैं, आगे भी सुनते रहेंगे, लेकिन वो हिस्सेदारी कौन नहीं दे रहा है, वो नहीं मिलने वाली है, केवल आपको एक नारा थमा दिया जाता है। तो हमें इसको हिस्सेदारी देने वाले व्यवस्था के ऊपर जाना है, तो वो हिस्सेदारी जहां से पार्लियामेंट में विधानसभा में हिस्सेदारी देने का व्यवस्था शुरू होती है, वहां जहां से संविधान लागू करने की बात होती है हमें वहां पहुंचना है। जब वहां हम जाएंगे, जब हम वहां असली एग्जैक्टली सही प्रतिनिधि जाएंगे तो बात हम कह सकते हैं। इसलिए उन प्रतिनिधियों को वहां पर एक खास तरह की ट्रेनिंग के साथ, वो कैसे लोगों को चुनते हम सभी को मालूम है, जो लोग ना बोले हम सब सवाल ना उठाएं उन्हीं लोगों को विधानसभा पार्लियामेंट में भेजते हैं, जब वो नहीं बोलेंगे तो उनकी उनकी वो हर चीज को मान लिया जाता है। हम हर में हाँ हाँ मिलाते जाते हैं और ना नहीं कहते हैं, और ना नहीं कहना ही हमारे लिए हार है, हमें ना करना सीखना है। एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हायर एजुकेशन के मामले में, क्योंकि मैं JNU में हूं तो हायर एजुकेशन के बारे में बहुत सारी चीजें जानता हूं। अक्टूबर 2017 तक हायर एजुकेशन में 14 लाख एम्प्लॉयमेंट थे, 14 लाख, और उस 14 लाख में से शेड्यूल कास्ट को 1 लाख थे एम्प्लॉयमेंट जो है आज के दिन अक्टूबर 17 तक, और ट्राइब के लिए 30,000 थे। तो इसका मतलब 22.5% आबादी के पास हिस्सेदारी बहुत कम है। ओबीसी का तो कोई कोई नाम लेवा पोस्ट निकलता है, क्योंकि उसकी पोस्ट को अभी तक हायर एजुकेशन में 2007 से ही शुरू किया गया है, तो वहां तो कोई कोई निकलेगा। तो कहने का अर्थ है कि इतना बड़ा सेक्टर है, उस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन है वो बहुत कम है। वो इसलिए कम है क्योंकि हम हिस्सेदारी हमें नहीं दे रहे हैं, काबिल लोग बहुत हैं हिस्सेदारी नहीं दे रहे, तो ये किसकी कमी है। हमारे एक वाइस फॉर्मर वाइस चांसलर भी हमारे बीच में कुरिल साहब बैठे हैं, हायर एजुकेशन में किस तरह की सिचुएशन है, वाइस चांसलर के काम करना मुश्किल है। जिस तरह से पूरे देश में पूरे जो सिस्टम बना हुआ है यूनिवर्सिटी कैंपसिस में, किस तरह का एक खास तरह का उन्मादी माहौल बनाया गया है, उसमें संविधान किस सिचुएशन में लागू हो रहा है। चारों तरफ उन्माद है, देशद्रोह, देशभक्त, एक खास तरह की भक्ति का उन्माद पूरे देश में पैदा कर दिया गया है, वो उनको भक्ति को केवल वही उन्माद चाहिए। तो ये पूरा जो दौर है, जो हायर लर्निंग सीट्स हैं, वहां पर भी आपको बात कहने का अधिकार नहीं है, वहां भी बात करने से रोका जा रहा है। तो ये
सिचुएशन इस पूरी सिचुएशन को देख करके हमें लगता है कि हमें निश्चित रूप से संविधान को लागू करने के बड़े अभियान के साथ जुड़ना होगा। आपने मुझे सुना, जय हिंद जय भारत।